हेलो इन्वेस्टर्स, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी होता है। डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। जिस तरह बैंक अकाउंट में आप पैसे स्टोर करते हो, ठीक उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर स्टोर किए जाते हैं। जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो साथ ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर्स की लेन देन कर सकते हो। इंडिया में शेयर सेटलमेंट पीरियड T+2 डेज का होता है, यानी जिस दिन आप शेयर्स बाय करते हो तो वो ट्रेडिंग डे और अगले 2 ट्रेडिंग डे के बाद शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं, तो उस दिन तक वो शेयर्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट में स्टोर रहते हैं। जब इंट्राडे में शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं तो वो ट्रांजेक्शन भी ट्रेडिंग अकाउंट में कंसिडर किए जाते हैं। पहले शेयर्स फिजिकली पेपर सर्टिफिकेट फॉर्म में हुआ करते थे, इसमें शेयर्स खो जाना या खराब हो जाने का खतरा रहता था। साथ ही ब्रोकर्स को ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग भी डिफिकल्ट हुआ करती थी, इसीलिए 1996 में डीमैट अकाउंट की शुरुआत हुई। डीमैट अकाउंट में शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। डीमैट अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास ओपन करना होता है, और सही ब्रोकर चुनना यह अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो आप हमारी ये वीडियो जरूर देखिए। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ्स, कैंसल चेक और लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। आजकल कुछ ब्रोकर्स डीमैट अकाउंट्स ऑनलाइन ओपन करने की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले आपको कुछ बातें जरूर जान लेनी चाहिए, जैसे कि एनुअल चार्जेस, ब्रोकरेज फीस, अदर चार्जेस और उनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और साथ ही वो कौन सी अन्य सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डीमैट अकाउंट से आप सिर्फ इक्विटी ही नहीं बल्कि अन्य सेगमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि कमोडिटी मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स, IPO एक्सेट्रा। धन्यवाद।